अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब है। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस होने वाली सिविल डिफेंस फोर्स की जॉब्स के बारे में बताऊंगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्ट्रीम स्किप ना हो जाए। ये तो दोस्तों सिविल डिफेंस फोर्स में जो भर्ती शुरू हुई इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने फ्री में अप्लाई करना है तो आपने वीडियो को गौर से सुनना है। वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाले वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं हमारी वेबसाइट जॉब पेज पर। आपने आ जाना है गूगल पर, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब पेज डॉट इन्फो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको इसकी पोस्ट नजर आएगी। जब आप इसकी पोस्ट को रीड कर लेंगे वहाँ पर आपको इसका एड मिलेगा। सबसे पहले जब मैंने इसका एड ओपन कर लिया ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों इसमें जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेड 15 की पोस्ट है। पंजाब से इनसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एजुकेशन आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए 18 से लेकर 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और आपके पास जो है बेसिक आपके पास 6 वीक आपका IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आपको बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स पास करना होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट टाइप की पोस्ट है। इसमें जो है जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्टूडेंट टाइप के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए। LDC के लिए आपके पास जो है मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। सिनेमा ऑपरेटर के लिए आपके पास जो है मैट्रिक होना चाहिए। तो इसमें जो है ड्रिल इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है। हर पोस्ट के लिहाज आपको इसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉम्ब डिस्पोजल टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, ड्राइवर की है, डिस्पैच राइडर की है, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर की, फायर क्रू की, डेमोंस्ट्रेटर की, नए पासर की, चौकीदार की, माली की, फर्श की, और यहाँ पर जो है कुक की भी पोस्ट है, स्वीपर की भी पोस्ट है। तो आपको हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन और उसकी एज लिमिट आपको यहाँ पर मैंशन है। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने जो इसमें लास्ट ईयर आप वैकेंसीज आई थी तो आपने जो इसमें अप्लाई किया है तो आप इसमें जो है दोबारा अप्लाई जो है अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपने फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको जो है www.civildefense.gov.in आपने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने सिंपली जो इनकी ये ऑनलाइन जो आपको लिंक बताया गया आपने इसको ओपन करना है। आपको यहाँ पर इस तरह से पोर्टल ओपन होगा। आपने फॉर ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हेयर पर क्लिक करना है तो आपके सामने जो इस तरह से आपने यहाँ पर अपना जो है अपने CNIC आपने जो है विदाउट डैश अपने डालना है, पासवर्ड डालना है, साइन इन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपने पहले यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर अकाउंट पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्टर कर आपने जो है बैक पर जाना है। आपने साइन इन करना है जैसे आपको बताया है तो आपका जो है ऑनलाइन आपके पास सर जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।